बोलो, हरी हरी बोलो, हरी हरी बोलो जी। कैसे हैं आप सभी मेरे लड्डू लाडो कन्हैया केशव, मेरे बिहारी लाला, मेरे गोपू लाला की असीम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे जी। आप सभी का स्वागत है मेरे लड्डू बाबू लाडो के चैनल में, लड्डू गोपाल एंड लाडली डायरीज में जी। आशा करती हूँ आप सब परम मंगल मय होंगे। मेरे लड्डू बाबू लाडो की असीम कृपा आप सब पे बरसती रहे जी। जी तो सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ गई है, आशा करती हूँ आप भी लड्डू बाबू लाडो की बहुत अच्छे से केयर कर रहे होंगे, क्योंकि कोहरा बहुत ज़्यादा था आज। आज तो इतना है दो दिन से कि मेरी बालकनी पे भी बिल्कुल धूप जो कोहरा है वो इतना हो जाता है कि कुछ नहीं दिखता, लेकिन अब थोड़ी अच्छी सी धूप निकल आई है जी। जी तो एक नया प्रश्न, एक नया विषय लेकर के आ गई हूँ आपके साथ में एक छोटी सी चर्चा करने के लिए। मेरे एक सब्सक्राइबर ने का एक सवाल था, और एक सवाल बहुत ही कॉमन है जो कि मैं प्रश्न ये देखती आ रही हूँ, पढ़ती आ रही हूँ, ठीक है। तो चलिए दोनों ही प्रश्नों को लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो है, जो कि बहुत ही कॉमन प्रश्न है, मैं पढ़ती देखती आ रही हूँ कि यदि लड्डू बाबू लाडो को स्नान कराते समय उनके जो नेत्र हैं, आंखें हैं, वो निकल जाएं तो क्या लड्डू बाबू को लाडो को खंडित माना जाता है। ये कहने में भी मतलब ऐसा कभी ना हो किसी के भी साथ। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मूर्ति और श्री विग्रह क्या होता है पहले तो आप ये समझिए। मूर्ति जो होती है, क्योंकि देखिए ये वर्ड जो है ना कि मूर्ति ही के साथ में ऐसे ऐड करके था प्रश्न, तो मैं आपको बताऊं, मूर्ति जो होती है वो सिंपल मूर्ति होती है, निर्जीव मूर्ति। श्री विग्रह जो होता है जिनमें प्राण होते हैं उनको हम कहते हैं श्री विग्रह, ठीक है। जिनमें प्राण है, जिनकी हम अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करके उनकी सेवा पूजन अर्चन भोग श्रृंगार वस्त्र धारण कराते हैं, उसको श्री विग्रह कहते हैं जी, ठीक है। तो अब मैं आपको बताती हूँ, यदि देखिए स्नान कराते समय लड्डू बाबू लाडो की गलती से आंखें निकल जाती हैं, देखिए ये कष्टकारी है, बिल्कुल है, लेकिन यदि नेत्र नहलाते समय निकल जा रहे हैं तो इसमें आप विचलित ज़्यादा मत होइए, क्योंकि देखिए हमारे शरीर को देख रेख की और अच्छे से पॉलिशिंग की ज़रूरत होती है, सेम वैसे ही लड्डू बाबू लाडो को भी ज़रूरत होती है। उनको उनका जो चंदन है वो उनका साबुन है, उनका शैम्पू है, ठीक है। तो नेत्र निकल जाए, कोशिश करिएगा कि ना निकले, लेकिन यदि निकल जाते हैं तो आप किसी भी अच्छी शॉप पे चले जाइए या किसी भी अच्छी पंसारी की शॉप पे चले जाइए, जहाँ पे लड्डू बाबू के श्रृंगार का जो सारा सामग्रियाँ होती हैं मिलती हैं, उनसे आप बोलिए, वो आपको एक पदार्थ देंगे जिनसे आप जो नेत्र हैं लाला लाली के वो फिर से लगा सकते हैं। तो ये खंडित जैसा वर्ड, पहली बात तो ये वर्ड खंडित जैसा लाइएगा ही नहीं कभी सेवा में लड्डू बाबू लाडो के, कभी नहीं होते ये वर्ड ही मत लाइएगा, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ, यदि किन्हीं कारणों वश से ऐसा हो जाता है तो आप जो श्रृंगार का जो शॉप्स हैं या पंसारी की जो शॉप है, आप कहीं पे भी जाइए, वहाँ से आप एक पदार्थ होता है उसको ला करके लगा दीजिए, लेकिन उससे लगाने से पहले भी आपको कुछ जो आवश्यक नियम है वो मैं आपको बताती हूँ। तो जी देखिए, जो आवश्यक दो नियम हैं, जैसे जब आप लाला का नेत्र लगाने जाइए या नेत्र लगाने से पहले, जैसे यदि आपके पास में बिहारी लाला का चित्रपट है तो आप बिहारी लाला के पास में आप उनसे लाला को वहाँ पे विराजमान करिए, बिहारी लाला के पास में लाला से आप प्रार्थना करिए कि लाला 5 से 10 मिनट में मैं आपके नेत्र लगाने जा रही हूँ, 5 से 10 मिनट के लिए आप कृपया बिहारी लाला में अपने जो आपका रूप है उसी में समा जाएं, 5 से 10 मिनट में जैसे ही मैं आपका फिर से आपको आपके पहले रूप में सुंदर से रूप में ले आती हूँ, वैसे ही मैं आपसे प्रार्थना करके आपको फिर से आपके श्री विग्रह में ले आऊँगी। इस तरीके से आप प्रार्थना पहले करिए, उसके बाद में आप उनको नेत्र लगाइए, और यही प्रोसीजर है यदि आपको श्रृंगार भी लाला का हल्का पड़ जाता है, यदि आप श्रृंगार भी फिर से करते हैं तो भी आपको यही करना होता है जी, ठीक है। देखिए सब भाव है, ये सब कुछ भाव है, प्रभु भाव और प्रेम के भूखे हैं। अब आप ही सोचिए कि विग्रह से कैसे हम बस कह भर के ऐसे कैसे होता है, ये सब होता है क्योंकि ये सब मेरे लाला की असीम कृपा है और ये सब प्रेम है, भाव है, जो कि लाला लाली हमेशा ही सच्चे भक्त का हमेशा स्वीकार करते हैं जी। तो ये तो बात हो गई कि यदि नेत्र निकल जाएं और इस तरीके से श्रृंगार लाला का फीका पड़ जाए तो आप कैसे कर सकते हैं। अब जो मेरे एक सब्सक्राइबर का प्रश्न है, मैं मेरे लाला को जब स्नान कराती हूँ, ठीक है,
स्नान कराती हूँ तो उनकी जो पॉलिश है वो धीमे धीमे निकल रही है। और मुझसे कई लोग कह चुके हैं क्योंकि पॉलिश आपकी निकल चुकी है, लड्डू बाबू जो है वो खंडित हो चुके हैं, आप इनको प्रवाह करा दीजिए। यदि आप मेरा ये वीडियो देख रही हैं तो मैं आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करूँगी कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। यदि आपका बच्चा, आपका शिशु, उसको चोट लग जाए या उसको कहीं स्किन डिजीज हो जाए तो क्या आप उसको छोड़ आएंगी? नहीं। आप लाला की इतनी प्रेम से भाव से सेवा कर रही हैं तो ये तो वर्ड मैंने कहा ना कि ये वर्ड तो बिल्कुल हटा दीजिए, खंडित और विसर्जन, ये वर्ड ही नहीं होता है, ठीक है। अगर आपके पेंट जो है स्नान करते समय आपको लग रहा है निकल रहे हैं तो आप क्या करिए, देखिए उसके भी दो तरीके हैं। पहला तरीका, श्री धाम वृंदावन में बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं, ऐसे जगह हैं जहाँ पे आप पता कर सकते हैं। आप कहेंगे तो मैं भी आपके साथ शेयर कर दूंगी। जैसे हमारा यहाँ पे सलून है और हम अपने आप को अच्छे से सब कुछ कराते हैं, जैसे मैंने बताया कि हम सलून जाते हैं, पार्लर जाते हैं, ठीक उसी तरीके से लाला को भी एक स्वस्थ करने के लिए, उनको फिर से सुंदर करने के लिए एक उनकी संस्था है। यदि आपके लड्डू बाबू को कभी ऐसा ना हो, उनका हाथ निकल जाता है, कुछ होता है, तो आप लाला को वहां पे लेके जाइए पता करके, और वो लाला का सुंदर सा श्रृंगार कर देंगे। और जैसे आप बता रहे हो पॉलिश निकल रही है तो वो अच्छे से लाला का सब कुछ पॉलिश वगैरह सब कर देंगे। लेकिन देखिए इसमें भी दो बातें आती हैं, पॉलिश की जो प्रोसीजर है आप पहले उनसे पूछ लें, क्योंकि पॉलिश का प्रोसीजर बहुत टफ होता है। सुना है मैंने कि मतलब एसिड वगैरह में भी कोई भी जैसे पीतल का पदार्थ होता है तो उनको डालते हैं, तो ऐसा ना करिएगा प्लीज़। तो आपको क्या करना है कि आप वहाँ पे जाइए, और यदि सिंपल तरीके से पॉलिश का होता है तो करा दीजिए, और नहीं तो सबसे अच्छा तरीका आप उनका श्रृंगार करा दीजिए, परमानेंट श्रृंगार करा दीजिए, जिससे आप के लाला जो है वो और ज़्यादा आप उनको उनमें निखार आ जाएगा। आप परमानेंट श्रृंगार करा दीजिए, आप उनका आचमन विधि से फिर स्नान करा दीजिएगा, वस्त्र रोज चेंज कर दिया करिएगा, नहीं तो मंदिर में स्थापित कर दीजिएगा, आचमन करके वस्त्र चेंज कर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, ये भी करने से पहले आपको, आप बिहारी लाला के पास लाला को लेके जाइए, और लाला के पास में ले जाने के बाद में उनसे आप प्रार्थना करिए, सेम जैसे आपने घर पे चित्रपट में किया, आप लाला के सामने जाकर के उनसे प्रार्थना करिए कि लाला देखिए आपके स्वरूप में ऐसा ऐसा हो गया है, तो मैं आपको और ज़्यादा सौंदर्य आपका फिर से, और जो भी मतलब आपको जो लगता है इस तरीके से प्रार्थना करके आप कहिए कि आप जो इनके प्राण आप में ही समा जाएं, बस मैं इतने समय में आके फिर से आप लाला के पास में जाइए, उनसे प्रार्थना करके जो लड्डू बाबू आपके हैं उनमें फिर से लाला आप गोस्वामी जी को दीजिए, वो लाला को स्पर्श करा देंगे और आपके लाला जो हैं बिहारी लाला फिर से आपके पास आ गए, ठीक है। और ये ही होता है, देखिए ये सब हमारे भाव हैं, विसर्जन और ये वर्ड ही मत लेकर के आइएगा। और मैं आपको सत्य घटना बताती हूँ, सत्य है ये। लाला के मंदिर के पास में ही यशोदा नंदन करके एक मंदिर है, जहाँ पे लाला के समझ लीजिए लड्डू बाबू लाडो और उनके शिव विग्रह इतने स्वरूप उनके वहाँ पे स्थापित हैं, क्योंकि जो पहले के टाइम में लोग जब चारों धाम के लिए जाते थे तो वो लाला लाली को वहीं पे स्थापित करके जाते थे कि जिनसे उनकी सेवा निरंतर होती रहे। लेकिन तब चारों धाम में जाना बहुत टफ होता था, डिफिकल्ट होता था, उनको पैदल जाना होता था, फिर उसके बाद उनको अपनी यात्रा में कुछ और तरीके का साधन लेना पड़ता था, तो इतना लंबा और बहुत ज़्यादा टफ होने के कारण बहुत सारे सेवादार वापस ही नहीं आ सक पाते थे उनको लेने के लिए। आज भी वो वहां पर वैसे ही स्थापित है। और उन्हीं में से मैं आपको बताऊं, जब उन मंदिर के सेवादार उनकी एक लड्डू बाबू की सेवा जब उनको शयन के लिए उन्होंने करा तो उन्होंने देखा कि लड्डू बाबू का हाथ निकला हुआ है, उनको बहुत कष्ट हुआ, बहुत ज्यादा, तो उन्होंने, उनको रात में नींद नहीं आई और उन्होंने सोचा कि मैं सुबह उठते ही लाला को यमुना नदी में इस तरीके से प्रवाह कर दूंगा। आप विश्वास करिए उसी रात्रि में लाला ने उनको स्वप्न में कहा, एक सांवला सुंदर सा बालक आया, ये बिल्कुल सत्य घटना है, आया कि यदि तेरे हाथ पैर टूटेंगे ना तो तुझको भी मैं यमुना में ऐसे ही प्रवाह कर दूंगा, प्रवाहित कराऊंगा। पंडित जी उठे, सुबह गोस्वामी जी उठे, सेवादार जो हैं उन्होंने सारी घटना को सोचा, फिर उसके बाद उनकी पट्टी मरहम करके आज भी लाला वहां पे उनकी वैसे ही पूजन हो रही है, बिल्कुल सत्य घटना है ये। तो ये सब भाव हैं और ये अति प्रिय प्यारे भाव हैं, इनको आनंद लीजिए इनका। और कभी भी ये शब्द मत लाइए, दो शब्द जो मैंने आपसे बोला। और फिर एक रीज़न आता है, देखिए ये क्यों होता है ऐसा, खंडित क्यों होते हैं, ठीक है।
उनके दो रीज़न होते हैं। पहला रीज़न तो ये होता है कि लाला लाली बहुत दयालु हैं, बहुत ज़्यादा। वो समझ लीजिए आपके ऊपर कोई कष्ट आने ही नहीं देते हैं, वो अपने ऊपर सारा कष्ट ले लेते हैं। लाला इतने दयालु हैं लाली, वो आपके घर के ऊपर कोई कष्ट ना है वो अपने ऊपर कष्ट ले लेते हैं। इसी वजह से वो जैसे ये उनका हो जाता है, जो कि मैं वर्ड भी नहीं नाम ले सकती। फिर क्या होता है, फिर यदि आपका लापरवाही का ये रीज़न है तो ये महापाप है। महापाप कि आप उनको कहीं पे भी विराजमान कर रहे हैं, सिंहासन से बार बार वो आप उनको ऐसा बैठा रहे हैं कि वो बार बार लुढ़क रहे हैं, ये महापाप है। ये अगर इस तरीके से करके आप करेंगे तो ये महापाप होगा, ठीक है। लाला की सेवा 6 महीने शिशु से भी नाजुक के तौर पे करिए, बिल्कुल प्रेम से करिए, बहुत अच्छे से करिए, उनकी भक्ति में मस्त रहिए, बिल्कुल मस्त होकर उनकी सेवा करिए जी। तो ये था मेरे भाव जो कि मैंने आप तक पहुंचाए, ये था। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को अपने प्रश्नों के उत्तर मिले होंगे, और मिलते हैं अपने दूसरे ब्लॉग में बहुत जल्दी। सर्दी बहुत है, लाला लाली का ख्याल रखिएगा जी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने दूसरे ब्लॉग में। हा अक्षर में हरि बसे, रा में बसे राधा, बोलो हरि, बोलो हरि, हरि बोलो, राधे राधे जी, हरि बोल, हरि हरि बोल।